हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार शुक्ला एक बार फिर अपने नए वीडियो और नया सब्जेक्ट में लेके आया हूँ। और ये सब्जेक्ट जो है इसका नाम है सर्वे। और इससे कम 15 से 17 क्वेश्चन ये फिक्स हैं एसएससी में, चाहे UP SSSC हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इसका जो परसेंटेज है वो 15 से 10 के बीच में, कभी कभी 17 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं सर्वे का अपलोड करूँगा उसको आप लोग देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आपको मैं डिटेल में बताऊँगा और हर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आने वाली जितनी भी परीक्षा है उसमें आपको ये क्वेश्चन निश्चित ही मिलेगा। और गलती क्या हो जाती है, लोग क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं लेकिन अगर आप, जैसे मान लीजिए आप थ्योरी का सेक्शन मैं चालू करूँ और थ्योरी आपको बताऊँ, तो लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तब वहाँ पर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। अब दिक्कत ये पड़ती है कि आदमी थ्योरी तो मान लीजिए आपकी कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन जब आप कई टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े रहेंगे और उसके बाद आप थ्योरी उसी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ आपको जल्दी से कवर होगी। तो इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ थ्योरी का सेक्शन रखता हूँ, जिससे कि एक एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल दे दी जाए, जिससे कि वो क्वेश्चन दिमाग में रहे और एग्ज़ाम में आपको इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है। आइए यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जो ये पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ड्यूरिंग द चेनिंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन द लीडर ऑफ द पार्टी हैज 4 एरो इन हिज हैंड वाइल द फॉलोअर हैज 6। डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। जैसा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक सीधी रेखा के दौरान लीडर, जैसा कि हम लोग जब सर्वेइंग करते हैं चेन सर्वेइंग, तो उसमें जो जो लीडर होता है वो आगे चलता है और जो फॉलोअर होता है वो पीछे चलता है। लीडर के हाथ में 10 कहते हैं सुए होते हैं, और उस सुए को जब वो एक चेन की दूरी क्लियर कर लेता है तो वहाँ पर वो उसको गाड़ देता है। तो फॉलोअर आके जब अगली चेनिंग की जाती है तो उसको वहाँ पर, तो बस कहने का मतलब इस क्वेश्चन में इतना पूछ रहा है कि जब जो फॉलोअर है उसके हाथ में 6 सुए आ गए, टोटल तो 10 होते हैं और वो लीडर के पास होते हैं, और जितनी चेन वो काउंटिंग करता जाएगा उतने वो वहाँ पर सुए गाड़ता जाएगा, कौन, लीडर। और जब एक चेनिंग हो जाएगी तो फॉलोअर वहाँ पर जाके उस सुइए को उखाड़ लेगा और वहां पर जाके रेंजिंग रॉड जो है गाड़ देगा। तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि जितनी फॉलोअर के हाथ में सुए होंगे उतने चेन वो वहां पर काउंट किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पूछ रहा है कि अब फॉलोअर के पास जो है 6 सुए हैं, तो फॉलोअर ने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी की, तो नंबर ऑफ सुआ यानी जो आपका जो सुआ है वो वहाँ की यहाँ कितना है 6, और 6 हो गया। और तो जो आपकी चेन हुई वो कितनी हुई, 6 चेन। अगर मान लीजिए 5 होता तो 5 चेन होती। तो ये चीज आप यहाँ पर, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मेटालिक टेप इज मेड ऑफ, एक धातुक पीथा किससे बना होता है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आया है और इसका राइट आंसर है क्लॉथ एंड वायर्स। तो जो ये मेटालिक टेप होता है ये आपका 10, 15, 20, 30, 50 मीटर में आता है, जिसको आप यहाँ जानते रहिएगा। और जब इसको हम मेटालिक टेप का यूज करते हैं तो उसमें जब टेप को खोलते हैं तो उसमें जो मुड़ा वाला भाग होता है उसको छोड़ के काउंटिंग की जाती है, ना उससे परिशुद्धता नहीं आती है। तो इसके लिए, और जब हम लोग, आप जब टेपिंग का काम कर लेंगे तो हम लोग क्या करते हैं उसको टेप को मोड़ के घुमा के अंदर कर लेते हैं, तो वो क्लॉथ एंड वायर का बना होता है, मेटालिक टेप जो होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए वेल कंडीशन ट्रेंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। तो आप ये जानिए, जब हम लोग क्या कहते हैं किसी क्षेत्र का सर्वे करते हैं तो उसको हम लोग कई सुआकारीय त्रिभुज में क्षेत्र को बांट लेते हैं। क्यों बांटते हैं, उसका कारण जानिए। उससे क्या होता है कि त्रुटि होने की संभावना ना के बराबर होती है, और 30 डिग्री से कम
कम नहीं रहना चाहिए और 120 से अधिक। यानी अगर आप इसमें क्षेत्र को बांट लेंगे तो आपको जब आप उसका क्या कहते हैं मेजरमेंट करेंगे तो उसमें कोई त्रुटि संभावना ना के बराबर रहेगी। तो इसीलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फॉर ए वेल कंडीशनल ट्रेंगल नो एंगल शुड बी लेस देन, तो लेस देन तो 30 हो जाएगा और मोर देन कितने से नहीं होगा 120। तो ये दोनों क्वेश्चन आप यहाँ पर जानते रहिएगा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज मोर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन गुड रिजल्ट वाइल मेजरिंग हॉरिजेंटल डिस्टेंट बाई स्टेपिंग, कदमों से क्षैतिज दूरी नापने में किसका अच्छा परिणाम ज्ञात करने में अधिक कठिनाई होती है। तो जब हम कदमों से क्षैतिज दूरी नापते हैं तो जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं अपहिल तो परिणाम आने में कठिनाई होती है अच्छा परिणाम ज्ञात करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अलाउबल लेंथ ऑफ एन ऑप्शन डिपेंड ऑन दी, एक खसके की अनुमानित लंबाई निर्भर करती है वो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, ठीक, मेथड ऑफ सेटिंग आउट द परपेंडिकुलर्स एंड नेचर ऑफ ग्राउंड, ये भी सही है, और स्केल ऑफ प्लॉटिंग यानी जो हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं उसकी स्केल क्या है। तो जब हम एक खस्से की अनुमानित लंबाई किस पे निर्भर करेगी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होगा उसमें, मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड नेचर ऑफ उस ग्राउंड का नेचर कैसा है, और जो हम लोग प्लॉटिंग करेंगे उसकी स्केल। तो ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच क्रॉस स्टॉप, तो जो फ्रेंच क्रॉस स्टॉप होता है इसमें एक ये एक डिब्बी की तरह होता है, इसमें 8 फलक होती हैं और 8ों फलक जो हैं वो 45 डिग्री पर होती हैं और एक को छोड़कर एक में झिर्री कटी होती है जिसमें घोड़े का बाल लगा होता है और उसको आप 90 डिग्री पर भी उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 45 और 90 दोनों रहेगा, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या होगा, एनी एंगल यानी 45 भी और 90 भी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ऑफसेट इन्वॉल्व लेस मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड, तो निम्न में से कौन सी विधि जमीन पर खसके के कम मापन के लिए काम आती है। तो जो मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट होता है ये कम काम में आती है, मेथड ऑफ ऑब्लिक ये बेस्ट होती है, और आपका ये सबसे अच्छी अगर पूछेगा तो मेथड ऑफ ऑब्लिक ऑफसेट होता है और क्रॉस स्टॉप भी एक विधि होती है। तो लेकिन जो सबसे कम यूज होती है वो होती है मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देखिए, द परमिसिबल एरर इन द चेनिंग मेजरमेंट विथ चेन और रफ हिली ग्राउंड इज, तो खुरदरी या पहाड़ी जमीन पर जरीब से मापन करते समय जरीब मापन में अनुमानित त्रुटि होती है कितनी, 1 में 250, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर लेंथ ऑफ ए चेन आर, तो एक लिंक जो होती है वो 20 सेंटीमीटर की होती है, तो 1 मीटर में पूछ रहा है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर यानी 5, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन एसएससी में आया था और भी कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इन इफ द चेन लाइन विच रन अलॉन्ग एन एस डायरेक्शन इज हॉरिजेंटल एंड द ग्राउंड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज स्लोपिंग, ईस्ट वेस्ट में क्या डायरेक्शन में स्लोपिंग है, झुका हुआ है, तो क्या होगा, इट इज पॉसिबल, ऑप्शन डी देखिए, इट इज पॉसिबल टू सेट ऑफसेट करेक्टली ऑन द बोथ साइड, यानी ये पॉसिबल है कि इसको ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट किधर करेक्टली किधर, दोनों ही तरफ, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल टेंशन इज द पुल विच, समान तनाव वह तनाव है जो न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ड्यू टू पुल अ सैग, चाहे खींचने पे या उसको पुल खींचे और चाहे सैगिंग यानी उसमें जो झुकाव हो, दोनों में ही जो है न्यूट्रलाइज कर दे इफेक्ट को, तो वो है समान तनाव, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट, तो लंबवत खसका मापन के लिए निम्न किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो स्टील टेप का करते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर का भी करते हैं, क्रॉस स्टार, लेकिन लाइन रेंजर का नहीं करते हैं।
लाइन रेंजर से सीधी रेखा का किया जाता है मापन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द चेन इज फाउंड टू बी शॉर्ट ऑन टेस्टिंग इट कैन बी एडजस्टेड बाई, अगर परीक्षण के दौरान चेन की लंबाई कम पाई जाती है तो उसका समंजन किया जाता है। ऑप्शन ए स्ट्रेटनिंग द लिंक्स, उसको सीधा करके, रिमूविंग ऑन और मोर स्मॉल सर्कुलर रिंग, क्लोजिंग द ज्वाइंट्स ऑफ द रिंग इफ ओपेंड आउट, ऑल ऑफ दी एबव। अगर आप परीक्षण के दौरान चेन की लंबाई कम पा रहे हैं तो इसका समंजन कैसे आप करेंगे? अगर आप चेन को, जो लिंक है उसको आप सीधा कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे, रिव्यूविंग वन और मोर स्मॉल सर्कुलर रिंग्स, तो जो सर्कुलर रिंग है उसको रिमूव कर देंगे, दूसरा ये बता रहा है, क्लोजिंग द ज्वाइंट्स ऑफ द रिंग इफ, अगर ज्वाइंट उसके खुल गए हैं तो उसको आप क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम टॉलरेंस इन ए 20 मीटर चेन, तो 20 मीटर की चेन के लिए जो टॉलरेंस होता है वो ±5 mm होता है, और 30 मीटर के लिए आपका ±8 mm होता है। तो यहाँ दो क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एक्यूरेट वर्क द स्टील बैंड शुड ऑलवेज बी यूज इन प्रिफरेंस टू चेन बिकॉज द स्टील बैंड, यथार्थ कार्य के लिए चेन की जगह स्टील बैंड का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। अब इसका कारण क्या है, ये देखिए, इट इज लाइटर देन चेन, इट इजियर टू हैंडल, तीसरा कह रहा इज प्रैक्टिकली इनफ्लेक्सिबल एंड इट इज नॉट लाइबल टू श्रिंक व्हेन इन यूज। तो ये ऑप्शन जो है सी सही है, क्योंकि जब आप क्या कहते हैं स्टील बैंड का यो यूज करेंगे तो वो श्रिंक नहीं करेगा जब उसका यूज करेंगे, और ये जो है ज्यादा खींचेगा भी नहीं, तो इसलिए इसकी जगह, किसकी जगह, चेन की जगह अगर आप स्टील बैंड का यूज कर रहे हैं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ये कंडीशन लागू होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ चेन इज मेजर फ्रॉम, ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसको आप रट लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ ही जाएंगे, न जान लीजिए कि आउटसाइड ऑफ वन हैंडल और आउटसाइड ऑफ द अदर हैंड। तो चेन जो होती है उसके जो दोनों बाहरी हैंडल होते हैं वहां से चेन की लंबाई मापी जाती है, एक तरफ, एक एक तरफ का आउटसाइड और दूसरे तरफ का आउटसाइड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ द अदर हैंडल। इसको यहाँ पर ये क्वेश्चन आप जान लीजिए, हर एग्जाम में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ द रेंजिंग रॉड शुड बी, आरेखण छड़ की लंबाई निम्नलिखित में होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1.5 से 2 मीटर, 2 से 3 मीटर, 3 से 4 मीटर, 2.5 से 3.5, तो 2 से 3 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज फॉर बेस लाइन मेजरमेंट, तो अगर हम निम्न उपकरणों में समानता किसका उपयोग करके आधार रेखा मापन किया जाता है, तो इनवायर टेप का किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इनवायर टेप में जो है ये एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, और ये जो है आपका इसमें ऊष्मीय प्रसार जो है ना के बराबर होता है, तो इसीलिए जो हम लोग चेन की मेजरमेंट करते हैं बेस लाइन का, आधार रेखा का, तो इसी करते हैं इनवर्ट टेप का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ 18 क्वेश्चन मैंने अभी अपलोड किए हैं, अभी और भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा, और डिटेल में आपको एक एक क्वेश्चन, और ये जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं SSC से लेकर जितनी भी परीक्षा हुई है, तो सर्वे के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा, और अभी चेन सर्वे चल रहा है, जरीब संरक्षण, इसके बारे में भी और डिटेल में आपको, और क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरा बताऊंगा, तो आप एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा, और मेरे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वेल आइकन बटन दबाइए, जिससे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। आज से मैंने अपना सर्वे का जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है उसका जो पहला चैप्टर है
एक जरीप सर्वेक्षण, उसको मैं 2-3 पार्ट में अपलोड कर दूंगा। और अभी और भी बुक, अच्छी अच्छी बुक है, जिससे मैं आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसके बाद जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं पेपर को, आपको जितने पेपर हुए हैं हर स्टेट पे जितने भी, उसको भी मैं, उसका भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो मेरे चैनल को आप देखते रहिए। थैंक्स टू वॉच।